एफडीआई की बढ़ी कीमतों पर दिल्ली की तरफ से बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर शुरू किया गया है, पार्लियामेंट्री सीट की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय नेता वेंकैया नायडू जी, इनसे जानते हैं कि एफडीआई का जो ये विरोध प्रदर्शन है पूरे देश में आग की तरफ कैसे फैलेगा। वेंकैया जी, एफडीआई जो ये आग लगाई है जिस तरीके से सरकार ने, उसमें अभी केवल शुरुआत की गई है, लेकिन आगे और क्या क्या प्रोग्रामिंग है विस्तृत तरीके? देश भर में हम आंदोलन करेंगे, सभी इलाके में प्रदर्शन होगा और 26 को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होगा, इसमें विस्तार से हम इस आंदोलन को और भी आगे रह जाने के लिए क्या क्या तय करना डिसाइड करेंगे। आज एनडीए के साथ भी हमारा बैठक है, उन लोगों में से सलाह मशवरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब तक एफडीआई का निर्णय वापस नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। आपको याद होगा, एक बार ये विषय आया तो उनका समर्थक पार्टियों ने दबाव डाला, उस समय सरकार ने पीछे हट गया। अभी अचानक बिना पूछ के किसी को किसी से सलाह मशवरा करके इन्होंने निर्णय लिया, कारण क्या है? सरकार जा रहा है, अभी ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनको मालूम है, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं लोगों को मैं कुछ निर्णय कर सकता हूँ। आरोप ये लग रहा है कि कुछ नेता विदेश से आए हैं तो उसके बाद से एफडीआई में बिल्कुल तेजी आ गई है। नहीं, मेरा कहना इतना ही है, विदेश के दबाव में सरकार काम कर रहे, सबको मालूम है। अभी काले धन पर और एफडीआई, इन दोनों में से काला धन सबसे अहम मुद्दा बनकर रह गया है। सब प्रमुख, काला धन भी प्रमुख मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी प्रमुख मुद्दा है, महंगाई भी प्रमुख मुद्दा है, एफडीआई का यहाँ का प्रवेश भी बड़ा मुद्दा है, और जो जिस तरह के इन्होंने डीजल का दाम बढ़ाया, एलपीजी का दाम बढ़ाया, उसके ऊपर कैप रखा, ये सब इश्यूज है। इसलिए सभी इश्यूज के बाद इसलिए हम लोग कहा, इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, गद्दी छोड़ना चाहिए। क्या किसी मध्यवर्ती चुनाव की आशंका जताई जा सकती है? और कोई विकल्प नहीं है देश के सामने, मगर ये इनका समर्थक पार्टियां क्या करेगा देखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ वेंकैया नायडू जी, जिनका सीधे तौर पर यह मानना था कि अभी मध्यवर्ती चुनाव की परिकल्पना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद सब कुछ विपक्षी पार्टियों पर और उनके साथ के जो सहयोगी पार्टियां हैं उन पर डिपेंड आउट करता है कि वो किस तरीके से एफडीआई और कालाधन के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर सकते हैं और सत्ता पर अपना दबाव बना सकते हैं। जंतर मंतर से न्यूज पॉइंट के लिए शैलेश तिवारी, कैमरा पर्सन दिलीप के साथ।